नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। गाजियाबाद की थाना लोनी पुलिस ने चोरी के हाइवा डंपर के साथ दो वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से थाना मुरादनगर क्षेत्र से चोरी दो दिन पहले चोरी किया गया हाइवा डंपर बरामद किया है। मुरादनगर थाना क्षेत्र से दो दिन पूर्व हाइवा डंपर चोरी हो गया था, जिसकी शिकायत डंपर मालिक ने थाना मुरादनगर में दर्ज कराई थी। आज थाना लोनी पुलिस व एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर लोनी पुस्ता रोड से चेकिंग के दौरान दो वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से मुरादनगर से चोरी किए गए हाइवा डंपर को बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त ट्रक को दिल्ली के मायापुरी भेजने के लिए लेकर जा रहे थे, वहीं चोरी में शामिल इनके दो साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। गाजियाबाद से संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। सर, दो चोर पकड़े गए हैं ट्रक के साथ, किस तरह के अपराधी है और कहां से इन्होंने वाहन चोरी किया था और क्या पूरा मामला? थाना लोनी पुलिस द्वारा एक मुखबिर की सूचना पर आज सुबह पुस्ता के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान उधर से हाइवा डंपर पर दो व्यक्ति आते हुए दिखे, जिसमें एक का नाम अकलीम है, दूसरे का नाम उस्मान है। दोनों बागपत के रहने वाले हैं। इनसे जब उस हाइवा डंपर के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि यह चोरी का डंपर है। इसे दो अन्य व्यक्तियों के नाम बताए, उनके द्वारा चोरी किया गया था और इनको दिया गया था दिल्ली ले जाने के लिए। जानकारी करने में पता लगा कि यह हाइवा डंपर मुरादनगर थाना क्षेत्र से चोरी हुआ था, जिसके संबंध में वहाँ पर अभियोग पंजीकृत है। दोनों अभियुक्त दल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अन्य दो अभियुक्त दल की तलाश के लिए पुलिस पार्टियाँ रवाना है, आगे कार्रवाई की। सर, डंपर लेकर कहाँ जा रहे थे? इन्होंने बताया दिल्ली जा रहे थे और पूछताछ विस्तार से की गई है, उसके क्रम में आगे कार्रवाई की।